आज हम बात करेंगे अवकल समीकरण की, और ये आपका 9th चैप्टर है एनसीईआरटी का। इसके अंतर्गत हमें घात पढ़ना है, कोटि और वेरिएबल सेपरेबल मेथड, चर पृथक्करण विधि, समघाती रेखीय अवकल समीकरण ये पढ़ेंगे। और इसके अलावा आपको अवकल समीकरण बनाना और उसको हल करना, ये दो तरह के सवाल मिलेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम नोटेशन देख लेते हैं इसके। तो जैसे y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आप लिखते हैं dy वाई वाई डी एक्स, यहाँ इसको y डैश भी लिखा जा सकता है और y1 भी लिख सकते हैं, या इसी भी लिख सकते हैं f डैश x। इसी तरह डबल डिफरेंशिएशन होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे y डबल डैश, y2 भी कह सकते हैं, और इधर f के फॉर्म में f डबल डैश x कह सकते हैं। तो ये नोटेशन है जो यूज होंगे यहाँ पे। तीन वाला लिखेंगे डी क्यू एक्स वाई अपॉन डी एक्स क्यू, और इसी को लिखेंगे y ट्रिपल डैश y3 और या f ट्रिपल डैश x। तो ये तो नोटेशन थी। अब नोटेशन के बाद इसमें हमें सबसे पहली चीज़ जो सीखना है वो है इसकी घात का कोटि, फिर उसके बाद बनाना, हल करना, फिर इसके बाद ये फॉर्म है आपका, इतना सिलेबस में है। तो सबसे पहले नोटेशन हम देख चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं घात और कोटि के लिए। कोटि की बात करते हैं पहले, और अवकल समीकरण होती क्या है। तो अवकल समीकरण का मतलब है कि कोई भी डेरिवेटिव वाला टर्म हो, ये जो टर्म आपने यहाँ लिखे हैं ये टर्म किसी भी फॉर्म में लिखे हों कहीं ये चीज़ें, और मिक्स इक्वेशन हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे कुछ उदाहरण लिखें, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, किसी भी फॉर्म में आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिख रहा हो, कितनी भी बार उसका डिफरेंशिएशन हो, तो उसको हम कहते हैं अवकल समीकरण, ठीक है। यानी डी वाई बाई डी एक्स या उच्च अवकलन के रूप में होगी। उच्च अवकलन का मतलब डबल होगा, ट्रिपल होगा, इस तरह चीज़ें दिखेंगी आप। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोटि की। तो कोटि का मतलब होगा डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, वो कहा जाएगा कोटि बताइए। तो कोटि का मामला आसान है। कोटि का मतलब सीधे सीधे ये होगा कि जो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया होगा, यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं उच्चतम अवकलनों की संख्या। बस हमें समीकरण में ये देखना है कि मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ, तो हम कह सकते हैं उच्चतम अवकलनों की संख्या, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, कोटि। और कोटि का मान हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि जो अवकलन किया जाएगा वो पूरा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसा नहीं कि साढ़े तीन बार अवकलन किया हो। तो कोटि हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी और हमेशा डिफाइन होगी, ये आपकी ऑलवेज डिफाइन होती है। ये हम डिफाइन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे घात, तो घात हमेशा परिभाषित नहीं होती। और कोटि में बस आपको सिर्फ ये देखना है कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, और मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन की जो संख्या होगी वो क्या होगी, कोटि। और ये हमेशा डिफाइन होगी, किसी भी तरह के अवकल समीकरण हो, कोटि उसकी डिफाइन होगी। लेकिन घात के लिए अब हमें चीज़ों को थोड़ा समझना होगा। तो घात आपकी परिभाषित होने पर इसका क्वेश्चन भी बनेगा, तो कहा जाएगा फाइंड द डिग्री इफ डिफाइन, यानी यदि परिभाषित हो तो घात बताएं। तो अगर हम बिल्कुल इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो हमने जिस टर्म से कोटि डिफाइन करी होती है, तो कोटि जिस टर्म से डिफाइन होती है उस कोटि में जो भी घात लगी है उस, और उस घात को हम क्या बनाएंगे, धन पूर्णांक, तो वो घात कहलाएगी आपकी घात, यानी डिग्री। तो डिग्री डिफाइन होने के लिए काफ़ी सारी कंडीशन है। तो ऑर्डर तो बहुत सीधा सीधा है, डिग्री के लिए आपको समीकरण को देखना होगा कि जो डी वाई बाई डी एक्स या उच्च टर्म है वो पूरे पॉलिनोमियल के फॉर्म में है या नहीं। यानी मैं ये बात कर रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स या डबल डिफरेंशिएशन या ट्रिपल या कोई भी, ये किसी का एंगल नहीं होना चाहिए, किसी का इस पर लॉग ऑपरेट नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी फलन इनमें ऑपरेट नहीं होना चाहिए, नो एनी फंक्शन। अगर कोई भी फलन इनमें ऑपरेट हुआ है और वो सेपरेट नहीं हो रहा है तो फिर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि फलन हट भी जाएगा और डिग्री डिफाइन हो जाएगी, तो ऐसे केस में डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज
अगर ये किसी का फंक्शन है इसमें ये पॉलिनोमियल के रूप में नहीं, ये टर्म फ्री नहीं है तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी, नो एनी फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन का ऑपरेशन इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम उदाहरण लेते हैं, वहाँ से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन इससे बनता है, तो पहला चैप्टर है 9.1 का पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको घात और कोटि बतानी है और 12 क्वेश्चन है, चलिए इन्हीं को देखते हैं। पहला है डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डेस इक्वल टू 0। तो यहाँ सबसे पहले ये देखना है कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, मैक्सिमम 4 बार हुआ है, यहाँ से पता चल रहा है इस वाले टर्म से, तो कोटी तो आपकी 4 हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं सोचना है। अब घात की बात करते हैं, तो देखिए ये वाले टर्म में क्या ऑपरेट हुआ है, साइन, और साइन को अगर हम यहाँ ला के हटाएँ भी तो इसमें लग जाएगा, तो यहाँ पर घात आप परिभाषित नहीं करेंगे, तो क्योंकि इसमें साइन ऑपरेट हुआ है। अगर छोटे डिफ्रेंशिएशन में भी है तब भी नहीं, अगर यहाँ पे 3 बार हुआ है, अगर इधर मान लीजिए 2 बार भी होता तो भी घात परिभाषित नहीं होती, क्योंकि किसी भी में भी जरूरी नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि इधर 4 बार हुआ है तो इस पे तो घात 1 है तो घात 1 लिख दीजिए, लेकिन कोई भी टर्म अगर डिफाइन नहीं है इस तरह है तो फिर घात डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से साइन नहीं हटा पाएंगे आप, अगर हटाएंगे तो इधर साइन इनवर्स लग जाएगा, तो बात वही, तो घात इसकी होगी अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। दूसरे में आते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y बराबर 0, तो इसमें डिफाइन तो होगी, मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, 1 बार, और इस पर घात कितनी है, 1, तो इसकी कोटी और घात दोनों 1 1 हो जाएंगे, इस पर 1 घात लगी। थर्ड है डी एस अपॉन डी टी की पावर 4 और 3s डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, चलिए बराबर में दिया है 0, यहाँ भी डिफाइन होगी, मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, 2 बार, यहाँ से पता चल रहा है इस टर्म से डिफाइन होगा, तो कोटी 2 हो गई, 2 बार हुआ, और इस पर घात कितनी है, जहाँ से कोटी डिफाइन करी है वहीं से घात निकालेंगे, तो इस पर पावर कितनी लगी है, 1, तो घात हो जाएगी 1, हमें उसी से घात निकालनी है जिस टर्म से हमने कोटी डिफाइन की है, तो ये 4 से मतलब नहीं है, 4 में 1 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो 4 नहीं लेंगे, घात 1 होगी। थर्ड देखते हैं, थर्ड में है, थर्ड हो गया, फोर्थ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, यहाँ कितनी मैक्सिमम बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, 2 बार, अगर ये डिफाइन होती तो इसकी घात 2 हो जाती, लेकिन यहाँ फिर डिफाइन नहीं है, ये इसलिए डिफाइन नहीं क्योंकि इसमें डी वाई वाई डी एक्स में क्या ऑपरेट हो गया है, कॉस, और जबकि कम पावर में हुआ है डी वाई वाई डी, यहाँ से हमने कोटी भी नहीं डिफाइन की है, लेकिन फिर भी घात परिभाषित नहीं होगी, क्योंकि किसी में भी अगर डी वाई डी एक्स में या उच्च में कॉस लगा है, साइन लगा है, कोई फलन है, तो घात परिभाषित नहीं होगी, तो घात अपरिभाषित। पॉलिनोमियल के फंक्शन में होना चाहिए डी वाई वाई डी एक्स, फ्री होना चाहिए किसी भी फंक्शन से। फिफ्थ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस 3x और बराबर दिया है साइन 3x, तो यहाँ सब डिफाइन होंगे और कोटी तो 2 है, कोटी पे पावर है आपकी 1, 1 घात लगी है तो घात हो जाएगी 1। सिक्स देखिए वाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर y डबल डैश का क्यूब प्लस y डैश की पावर 4 प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, 3 बार, कोटी कितनी है, 3, इस टर्म से डिफाइन होगी इस वाले से, कोटी मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ, 3 बार में, कोटी 3 हो गई, और घात कितनी होगी, 2, क्योंकि इस पर कितनी पावर लगी है, 2। सिक्स देखते हैं, सिक्स हो गया, सेवन्थ है वाई ट्रिपल डैश 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0, कोटी कितनी होगी, 3,
और इस पे घात कितनी है, एक, तो घात एक हो जाएगी। नाइन्थ, एट्थ, नाइन्थ फिर देखते हैं। एट्थ है आपका डी वाई वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी घात एक्स, तो ये मैक्सिमम एक बार अवकलन हुआ है और उस पर पावर भी एक है, दोनों एक एक हो जाएंगे। अब है नाइन्थ, टेंथ, आगे बढ़ते नाइन्थ देखेंगे। नाइन्थ में आपका दिया है वाई डबल डैश वाई डैश स्क्वायर और टू वाई बराबर जीरो, मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, दो बार यहाँ से, और इस पर पावर कितनी है, एक, तो घात एक होगी। टेंथ है वाई डबल डैश प्लस टू वाई डैश प्लस साइन वाई बराबर जीरो, तो कोटि कितनी है, दो, इस पे पावर कितनी है, एक, बात एक हो जाएगी। इलेवेंथ वाई डबल डैश का क्यूब प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस साइन डी वाई वाई डी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इधर आपका मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, दो बार, कोटि तो दो हो गई। अगर घात परिभाषित होती तो थ्री होती, लेकिन यहाँ परिभाषित नहीं है क्योंकि इसमें क्या ऑपरेट हो गया, साइन, ये हटेगा भी नहीं, तो घात अपरिभाषित हो गया। ट्वेल्थ है टू एक्स स्क्वायर वाई डैश वाई डबल डैश दिया है माइनस थ्री वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम दो बार अवकलन हुआ है, कोटी दो हो गई और इस पर घात कितनी है, एक, तो घात कोटी एक, दो और एक हो जाएगी। तो ये पहला चैप्टर था आपका, अब अगले चैप्टर 9.2 में चलते हैं। नाइन पॉइंट टू में इसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और एक फंक्शन दिया है, ये चेक करना है इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो फर्स्ट वन है वाई बराबर दिया है ई पावर एक्स प्लस वन और इसकी इक्वेशन दी है वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, यानी वेरीफाई करना है कि ये इसका हल है। तो क्या करेंगे आप, इसमें इसकी वैल्यू रख के जीरो दिखा देंगे, हमें y दिया है e की पावर x प्लस वन, तो वाई डबल डैश और y डैश निकाल लीजिए, y डैश होगा e की पावर x, एक का जीरो, y डबल डैश होगा e की पावर x, अब लेफ्ट हैंड साइड है आपकी y डबल डैश माइनस y डैश, तो y डबल डैश कितना है e की पावर x, y डैश भी क्या है e की पावर x, कैंसिल होकर जीरो आएगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, जीरो के इक्वल दिखाना है। तो इस चैप्टर में इसी तरह आपको सॉल्व करनी है सर। दूसरा है y इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी और इसका सॉल्यूशन दिया है y डैश माइनस टू एक्स माइनस टू बराबर जीरो, इसको वेरीफाई करना है। तो y डैश एक बार डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो y डैश फाइंड कर लें, y डैश होगा टू एक्स प्लस टू, सी का जीरो होगा, अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसमें वैल्यू रखते हैं, तो y डैश कितना है टू एक्स प्लस टू और माइनस टू एक्स माइनस टू कर देते हैं, ये कट जाएंगे, तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा इस तरह। अब देखते हैं थर्ड, थर्ड में y दिया है cos x प्लस सी और इधर वेरीफाई कराना है y डैश प्लस साइन x बराबर जीरो, तो ये सी से डायरेक्ट हो जाएगा, तो y डैश करेंगे तो आएगा माइनस साइन x और c का जीरो, अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए तो ये पूरा ही आ जाएगा, यही हमें दिया है। फोर्थ है वाई इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्रूव करना है डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई का क्या होगा डी वाई वाई डी एक्स, इसका कैसे होगा रूट एक्स का होता है वन अपॉन टू रूट एक्स और फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर का होगा तो टू एक्स आएगा, टू से टू कैंसिल हो गए,
अब हमें जो लाना है उसके लिए आपको गुणा भाग करना होगा। अब हमें यार ये लाना है तो ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए वन प्लस एक्स स्क्वायर से। तो इसकी वैल्यू क्या है इक्वेशन वन से, ये है आपका वाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है कि आप स्क्वायर कर लें, पहले इसको भी देख लेते हैं सेकंड मेथड को। वाई हमें गिवन है अंडर रूट वन प्लस, अब हम पहले इसका वर्क कर दें तो वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, टू वाई डी वाई वाई डी एक्स बराबर होगा आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर इसका जीरो और एक्स स्क्वायर का टू एक्स। तो डी वाई वाई डी एक्स कितना मिल जाएगा, एक्स अपॉन वाई। ये अब हमें इधर पहुंचना है तो ऊपर नीचे वाई से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो वाई इधर क्योंकि हमें वाई लाना है, ये इधर वाई है। तो अब हम अपॉन में जो वाई स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू रख देंगे, ये ही रखेंगे तो टू हो जाएगा। फिफ्थ है वाई इक्वल टू ए एक्स, मतलब कैसे इक्वेशन दी है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर वाई, ये दिया। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ए, इन दोनों से ए हटा लीजिए, ए यहाँ से यहाँ रख दीजिए, ए की वैल्यू है वाई अपॉन एक्स, तो ये प्रूव हो जाएगा। सिक्स्थ है वाई बराबर एक्स साइन एक्स, इसमें आपको लाना है एक्स वाई डैस, ये प्रूव करना है एक्स वाई डैस इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करना, वाई डैस हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हमें इधर पहुंचना है, ये चीज लानी है तो हमें वैल्यू रखनी होगी, पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और फिर सारी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, या एक्स बाद में आ जाएगा। चलिए हम वैल्यू रखते हैं सीधे इसकी और इसकी। ये हम क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि हमें ये लाना है, यहाँ साइन कॉस नहीं दिख रहा है। तो अब आप देखिए जो हमें गिवन है वाई बराबर एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स कितना है यहाँ से वाई अपॉन एक्स। अब दोनों वैल्यू रखेंगे तो वाई डैश इक्वल टू होगा एक्स और कॉस एक्स होगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स होगा वाई अपॉन एक्स। अब एलसीएम लेते हैं तो इसका एक्स स्क्वायर का एक्स बाहर निकलेगा और एक्स का त्रियक गुणा हो जाएगा, इधर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, यही हमें लाना। तो बस यहाँ से ध्यान रखना है कि हमें वैल्यू रखनी है। अगला सेवेंथ, सेवेंथ है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और प्रूव करना है आपको, वेरीफाई कराना है वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये लाना। तो चलिए एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, एक्स वाई डैस प्लस वाई इक्वल टू वन अपॉन वाई वाई डैस, वाई डैस फाइंड कर लेते हैं। इसको इधर ले आइए, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये होगा वाई और वाई डैस कॉमन, तो वन अपॉन वाई माइनस एक्स, वेल सेम लीजिए वन माइनस एक्स वाई अपॉन वाई, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो वाई डैस कितना आएगा, वाई डैस की वैल्यू यहाँ से आएगी वाई डैस इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई। एट्थ वन है वाई माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, हमें प्रूव करना है वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैस बराबर वाई। चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए, वाई का क्या होगा वाई डैस कॉस वाई का माइनस साइन वाई प्लस हो जाएगा, फिर वाई का और एक्स का एक, तो यहाँ से वाई डैस की वैल्यू मिली वन अपॉन वन प्लस साइन वाई, ठीक है, वाई डैस की वैल्यू आपकी ये हो गई, वाई डैस हुआ वन अपॉन वन प्लस साइन वाई। हमें प्रूव ये करना है, ये तो हमें वाई इक्वल टू ये प्रूव करना, तो ज़रा थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, वाई की वैल्यू रखनी होगी और वाई डैस भी रखना होगा। तो चलिए हमें जो वेरीफाई कराना है उसको यहाँ लिखा है वाई साइन वाई और वाई डैस बराबर वाई, तो यहाँ सब वैल्यू रखते हैं और वाई के इक्वल सॉल्व करके दिखाते हैं। वाई की भी जरूरत पड़ेगी तो वाई की वैल्यू इधर से कितनी है, एक्स प्लस कॉस वाई, ये वाई, ठीक है, तो वाई डैस आ गया वाई आ गया। तो अब हमें ये प्रूव करना है,
तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं, वाई इक्वल टू हम प्रूव करना है ये, तो हम इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से ही चलते हैं, ध्यान दीजिए इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आगे बढ़िए, वाई डैश कॉमन लीजिए तो 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू 1, ये अब आप अगर इसको देखते हुए चलें, ये हमें लाना है, तो इधर वाई है इधर 1 दिख रहा है हमारा, तो हम वाई से बोथ साइड गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका वाई डैश और वाई का अंदर गुणा कर दीजिए, वाई प्लस वाई साइन वाई इक्वल टू वाई। अब ये तो अभी आप इधर देखिए कौन सी चीज़ नहीं आ रही है, तो इधर आपका कौन सा टर्म नहीं दिख रहा है, वाई साइन वाई प्लस वाई, तो ये वाई नहीं दिख रहा है, तो वाई की वैल्यू रख दी हुई है, ये वाई है जो इस वाई की वैल्यू जो इक्वेशन के बने ये रख देंगे आप, तो ये होगा आपका वाई डैश, वाई की वैल्यू हुई एक्स प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई इक्वल टू वाई, ये प्रूव हो जाएगा, ये वाई रखना होगा और वाई से गुणा करना होगा, नाइन्थ है एक्स प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स वाई, लाना है वाई स्क्वायर वाई डैश बराबर -1 -y² ये लाना है, यानी एक बार डिफ्रेंसिएशन होना है, 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस y² और इधर आएगा वाई डैश। अब वाई डैश फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ ला के एलसीएम लीजिए, अपॉन 1 प्लस y², अब 1 प्लस y² और ये आया, तो इधर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, x y² y डैश, चलिए इधर क्या बचेगा, -y² और एक ही वाई डैश माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, यही चाहिए, इसके बाद टेंथ टेंथ में वाई इक्वल टू है अंडर रूट a² - x² प्रूव करना है, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो, ठीक है, तो पहले स्क्वायर भी कर सकते हैं आप, बिना स्क्वायर के भी स्क्वायर कर लेते हैं थोड़ा आसानी रहेगी, ये अब डिफ्रेंशिएट करिए, तो 2y dy/dx इसका 0 इसका आएगा -2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -x बचा, अब x को यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव, दो क्वेश्चन, तो कोटि की संख्या किसके बराबर होती है, ऑब्जेक्टिव है, तो किसी भी कोटि की संख्या बराबर हम कह सकते हैं, अगर हमें डिफ्रेंसिएशन की फॉर्म में नहीं तो स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर होती है कोटि, ये आपका 11th रहेगा, तो जितने स्वेच्छ अचर होंगे, 4 स्वेच्छ अचर हैं तो कोटि 4 हो जाएगी, और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अचरों की संख्या 0 होती है, इसी को विशेष हल बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन विशेष हल या विशिष्ट हल, विशिष्ट हल में अचरों की संख्या 0 होती है, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई अचर नहीं होंगे, तो स्वेच्छ अचर का मतलब होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो हम क्वेश्चन में चुन सकें, जो वेरी कर रहा हो क्वेश्चन में, फैमिली ऑफ कार्बन, ठीक है। अब आते हैं 9.3,
पहला क्वेश्चन है इसका, तो इसमें हम बात कर लेंगे ना 9.3 में आपको 1 से 5 तक 5 क्वेश्चन हैं, इसमें ए व बी को ये हमें दिया है, ए व बी को स्वेच्छ अचर मानते हुए अवकल समीकरण बनाए। तो स्वेच्छ अचर यहाँ तो क्लियर कर दिए हैं, तो प्रत्येक सवाल में आपको क्या करना होगा इसका तरीका भी देख लें, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में इसका जो वर्किंग रूल है तो हम इस पर बात कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। अवकल समीकरण बनाना, तो पहला स्टेप होता है कि स्वेच्छ अचर देखते हैं कितने, स्वेच्छ अचरों की संख्या डिफाइन करते हैं पहले, ठीक। दूसरा स्टेप रहेगा कि स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर बार अवकलन करते हैं, स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर बार अवकलन करते हैं, स्वेच्छ अचर 3 है तो 3 बार अवकलन करेंगे। इसके बाद आपके पास एक समीकरण एक्स्ट्रा रहेगी, एक समीकरण हमें गिवन होगी हमेशा, जो गिवन होगी y इक्वल टू जिसमें जिससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, तो गिवन समीकरण दी गई समीकरण व स्वेच्छ अचरों के बार आप अवकलन करेंगे तो उससे भी इक्वेशन मिलेंगे। यहाँ अगर 2 स्वेच्छ अचर हैं तो आपके पास हमेशा 3 समीकरण रहेंगे, क्योंकि एक गिवन वाली और 2 मिलेंगी आपको डिफरेंशिएशन से, तो फिर आपको 3 समीकरण से आपको जो भी जितने भी स्वेच्छ अचर हैं उन्हें हटाया जाता है, यानी थर्ड स्टेप में हम जनरल कहेंगे गिवन समीकरण व अवकलन से प्राप्त समीकरणों से स्वेच्छ अचरों को विलुप्त करते हैं, जितने भी स्वेच्छ अचर हैं उन्हें हटाना, स्वेच्छ अचरों को विलुप्त करते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, यानी जितने स्वेच्छ अचर उतनी बार अवकलन, और एक इक्वेशन एक्स्ट्रा रहेगी तो आपको वो स्वेच्छ अचर हटाने हैं, कभी कभी डायरेक्ट हट जाएंगे, कभी कभी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 9.3 का, इन सब में 1 से 5 तक मैं पहले लिखा था, 1 से 5 तक 2 स्वेच्छ अचर दिए हैं आपको प्रत्येक में, ये अभी तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, आपके पास 3 समीकरण रहेंगे और 3 समीकरण से आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 1 से 5 तक प्रत्येक समीकरण में आपको ए बी को विलुप्त करना है 3 समीकरणों से। तो इस पे 5 क्वेश्चन है जो नीचे देखते हैं, पहले पहला इसका एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए 2 बार डिफरेंशिएशन करिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, अब पहली बार होगा तो 1 अपॉन ए एक्स का 1, 1 अपॉन बी और वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, और 1 का 0। अब दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन ए का 0, 1 अपॉन बी कॉन्स्टेंट है और इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन और बराबर 0, तो इसका आप यहाँ 3 गुणा कर देंगे तो यहाँ सीधे मिल जाएगा हमें, ये अपने आप अचर हट गए, तो बस यही आंसर हो जाएगा। अगर कोई अचर इसमें स्वेच्छ अचर बचता तो उसे हटाना होगा, अगर डायरेक्ट हट रहा है तो और ही अच्छा। अब सेकेंड है वाई स्क्वायर इक्वल टू के और बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इधर रूट ले लेंगे तो कुछ आसानी रहेगी, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना फिर ए बी हटाना, तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आएगा आपका वाई ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई करा लिया, अब अवकलन करते हैं वाई स्क्वायर का 2y और फिर डी वाई वाई डी एक्स, इसका 0, ए एज इट इज एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई डी वाई ओवर डी एक्स बचा आपका माइनस ए एक्स, 2 कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से माइनस वाई अपॉन एक्स वाई डैश, डी वाई वाई डी एक्स वाई डैश लिख लीजिए। अब ये ए हम कहाँ रखेंगे, जिधर ए होगा, तो अभी बी भी चाहिए हमें, ये डिफ्रेंशिएशन एक बार हुआ है, एक बार और करिए, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, अब
अगेन डिफरेंशिएशन करिए, दो बार करना होगा क्योंकि दो स्वेच्छाचर है, पुनः अवकलन होगा इसका दो फंक्शन से, इसका क्या होगा वाई और डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये एज इट इज वाई का होगा तो डी वाई डी एक्स दो मिल जाएंगे और इसका माइनस के। अब ये एक की वैल्यू इधर रख दीजिए तो अब शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू, और ये वैल्यू रखेंगे तो प्लस हो जाएगा वाई वाई डैश अपॉन एक्स, ये आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू रख दिया, ए हटाना पड़ेगा, बी डायरेक्ट हट गया है, इसका थर्ड है वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स, ए की पावर टू है थ्री एक्स सॉरी, ए की पावर थ्री एक्स प्लस बी की पावर माइनस टू एक्स। तो ये इक्वेशन वन और दो डिफरेंशिएशन से मिलेंगे, तो y का मैं y डैश लिखता हूँ, लिखने में सुविधा रहेगी, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा y डैश और 3a e की पावर 3x, 3x का 3 आएगा तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है माइनस टू एक्स, एक बार हुआ। अब दोबारा करिए y डबल डैश, इसका हो जाए 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर माइनस टू एक्स, ये इक्वेशन थर्ड। अब तीन इक्वेशन है, दो चीज़ों को इलिमिनेट करना है, ए और बी को, तो साथ में आप ए ई घात बी घात को भी हटा सकती हैं। तो अब आपको ए ई घात एक्स और बी ई घात माइनस टू एक्स इसको हटाना है तीन से, तो चलिए दो दो को क्रम क्रम से लेंगे। तो पहले हम ऐसा करते हैं इन दोनों से बी को हटा लेते हैं इसको, तो टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें पहली वाली में, तो ये होगा आपका टू, इधर भी आएगा 2a की पावर 3x प्लस 2be की पावर माइनस 2x, और ये एज इट इज y डैश बराबर 3a की पावर 3x माइनस 2be की पावर माइनस 2x, ऐड कर दीजिए तो 2y प्लस y डैश इक्वल टू आएगा 5a की पावर 3x, ये इक्वेशन वन हो गया, ये अपॉन 5 हो जाएगा। इधर अब आते हैं सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड थर्ड में से ए को रिमूव कराइए, तो यहाँ तीन का मल्टीप्लाई, तो दो में तीन का गुणा करते हैं, तो ये होगा थ्री वाई डैश इक्वल टू नाइन ए की पावर थ्री एक्स माइनस सिक्स बी ई की पावर, और इसको एज इट इज लिखते हैं, ये अब सबट्रैक्ट करा दीजिए इसको क्योंकि ये काटना है, तो 3y डैश माइनस वाई डबल डैश ये कैंसिल हो जाएगा माइनस के टेन बी ई की पावर माइनस टू एक्स। तो यहाँ से आपको बी ई की पावर माइनस टू एक्स कितना मिला, इसको माइनस को इधर लगा दीजिए अपॉन टेन, और इधर ए की पावर एक्स कितना था, ये था 2y प्लस वाई डैश अपॉन फाइव, ये दोनों वैल्यू अब एक में रख देंगे, ठीक है, लिखेंगे एक में मान रखने, तो y इक्वल टू आएगा ए ई की पावर थ्री एक्स की वैल्यू ये 2y प्लस y डैश अपॉन फाइव प्लस, और b की ये y डबल डैश माइनस 3y डैश अपॉन टेन, ये आंसर। अब आप 10 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे इसे, इसका एक क्रेमर रूल से भी सॉल्यूशन है तो उसको भी देख लें क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान रहेगी, और इसको आप लगा सकते हैं, क्रेमर रूल आपके सिलेबस का है तो मैं उसी की बात करना चाहूँगा। ये बेसिकली होता था जो वेरिएबल हैं उनको इलिमिनेट करने के काम आता है।